अस्सलाम वालेकुम। जहाँ हमने इस चैनल के ऊपर सेफ्टी के हवाले से बहुत सारी बातें की, सेफ्टी के कोर्सेज़ के बारे में बताया आपको और सेफ्टी के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया, वहाँ पे एक बात मैं आपको आज इन्वायरमेंट के हवाले से बताता हूँ, इसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि पिछले दिनों बहुत से लोगों ने इन्वायरमेंट के हवाले से सवाल किए, तो मैंने सोचा कि इन्वायरमेंट के हवाले से एक ऐसी वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो बता दूँ जिसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस टॉपिक के हवाले से। देखिए, इस वक्त कंस्ट्रक्शन की जहाँ तक हम बात करें, उसके अंदर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। दुनिया इस वक्त सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत अहम पार्ट है, और इस यही वजह है कि जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इस वक्त सऊदी अरबिया के अंदर हो रहे हैं, इसके अंदर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इन्वायरमेंट के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इन्वायरमेंट का प्रोफेशनल कौन है, तो मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखता हूँ जो कि आपको एक इन्वायरमेंट प्रोफेशनल बनने के अंदर हेल्प करेंगे। देखिए, इन्वायरमेंटल साइंसेस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एन्वायरमेंट, पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो इस तरह की डिग्रीज़ बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं, या तो वो इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर BS करा रही होती हैं, या तो वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर BS करा रही होती हैं, और बाज़ दफ़ा बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि दाऊद यूनिवर्सिटी भी इन्वायरमेंट एंड इन एनर्जी या एनर्जी एंड एन्वायरमेंट के अंदर BE बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करा रही है। तो ये जो तीनों डिग्रीज़ हैं ये इन्वायरमेंट के अंदर हैं, तो अगर आप इन्वायरमेंट की इन तीनों डिग्री में से किसी कोई एक डिग्री आपके पास मौजूद है, तो आप इन्वायरमेंट प्रोफेशनल या इन्वायरमेंट का जो भी कैरियर है उस तरफ आ सकते हैं और उस तरफ अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरी चीज़, निबोश की जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उसी तरह निबोश के इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कोर्सेज़ हैं। निबोश EMC इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट निबोश का एक सर्टिफिकेशन है, और वो सिर्फ और सिर्फ फोकस है इन्वायरमेंट के हवाले से। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताऊँ वो है ISO 14001 2015 की सर्टिफिकेशन, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशन। तो ये दो दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो अगर आप कर लें तो आपको इन्वायरमेंट की फील्ड के अंदर एंटर होने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम ये चीज़ें कर ले तो इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मैट्रिक इंटर किया है, उनको मैंने एक पाथवे बनाया कि अगर वो इन्वायरमेंट के अंदर आना चाहें तो इस ज़रिए से आ सकते हैं।